हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन क्लास में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, आज अकाउंटेंसी की एक और नई क्लास और उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सीख रखा था कि जब फॉर्म को लॉस होता है तो उस केस में कैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें डिसअलाउ हो जाती हैं, यानी अलाउ नहीं की जाती हैं। सारे अप्रोप्रिएशन हम लोग अलाउ नहीं कर रहे थे और उससे रिलेटेड सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में सीखी थी। स्टूडेंट, जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो के ऊपर आए, जिन्हें हम लोग कहते हैं पैरासूट स्टूडेंट्स, बच्चे जाइए और पिछली क्लासेज आप देखिए, सीक्वेंस में देखिए, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अगली बात, आज जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पीएनएल अप्रोप्रिएशंस इन केस ऑफ लॉस, बच्चे अब हम लोगों ने दो केसेस पढ़ रखे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस बनाना जब पूरी तरीके से फॉर्म को फायदा हो, बहुत सारी क्लासेस किया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास किया कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब फॉर्म को नुकसान हो यानी लॉस हो रहा है, यह भी हम लोगों ने सीख लिया। बट बच्चे अब एक तीसरा केस आएगा जिसके अंदर फॉर्म को फायदा तो होगा मगर उतना फायदा नहीं होगा जितना से वो सारा का सारा अप्रोप्रिएशंस पे कर दे। यानी इस बार केस होने वाला है ना तो लॉस ना तो सफिशिएंट प्रॉफिट, प्रॉफिट है मगर इनसफिशिएंट है, यानी कम प्रॉफिट है जिससे पूरा का पूरा अप्रोप्रिएशंस पे नहीं हो सकता। इसलिए इस केस को नाम दिया जाता है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट, प्रॉफिट पूरी नहीं है। अब ऐसे केसेस में कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस बनेंगे, किस हद तक हम लोग अप्रोप्रिएशंस अलाउ करेंगे, वो सारी बातें बच्चे आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। आज का क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत कंसंट्रेशन से क्लासेस को कंडक्ट करिएगा। तो चलिए पेन कॉपी सब कुछ लेकर के बैठ जाए और साथ साथ नोट करेंगे और साथ साथ समझते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो चलिए आज का सबसे पहले टॉपिक लिख लें हम लोग, और है तो टॉपिक वही प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन सी, बट केस होगा इनएडिक्वेट प्रॉफिट का। तो हम लोग यहां पे लिख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन बच्चे केस कौन सा है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, केस है इनएडिक्वेट प्रॉफिट का। इन केस ऑफ, मैं यहां पे लिख दूंगा इन एडिक्वेट प्रॉफिट। बच्चे इन एडिक्वेट का मतलब होता है जो सफिशिएंट ना हो, तो आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं इन एडिक्वेट का मतलब यहां पर एरो करके, दैट इज नॉट सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट, जो सफिशिएंट नहीं होता उसे हम लोग कहते हैं। तो बनाना हमें बच्चे है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ही, आप देख सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, यहां पर नोटिंग कर लीजिए। और लेकिन बस क्या रखना है इस बार हम लोग को क्वेश्चंस के अंदर, ना पूरी तरीके से लॉस ना पूरी तरीके से प्रॉफिट, प्रॉफिट है मगर जो सफिशिएंट नहीं है, उतना नहीं है जो हमारे पूरे के पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस में से अप्रोप्रिएशंस को मीट कर सके। ओके, अब इसको समझने के लिए बच्चे एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, विदाउट एग्जाम्पल समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं अब आपको यहां पर एक एग्जाम्पल लेकर के समझाऊंगा। चलिए अब यहां पर मैं कह रहा हूं ए एंड बी पार्टनर्स हैं, एग्जाम्पल से क्लिक ले हम लोग, ए एंड बी आर पार्टनर्स, और क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैं 1:1 में लिख दे रहा हूं, इन 1:1। तो ये पार्टनर है और प्रॉफिट किस में शेयर कर रहे हैं बच्चे, 1:1, यानी दोनों इक्वल पार्टनर है, ठीक है। अब मैं फर्म की प्रॉफिट दे रहा हूं आपको, प्रॉफिट ऑफ फर्म, जो फर्म की प्रॉफिट है बच्चे वो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, दैट इज 50,000 रुपीज, मान लीजिए 50,000 फॉर्म की प्रॉफिट है, ओके, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं नीचे कुछ अप्रोप्रिएशंस लिख रहा हूं और ऐसा लिखूंगा कि अप्रोप्रिएशंस ज्यादा हो जाए इस 50,000 से। तो अप्रोप्रिएशंस मैं लिख रहा हूं बच्चे यहां पर ए को, यहां पर ए को मैं दे रहा हूं सैलरी, एज सैलरी, और ए की सैलरी मैं कर रहा हूं यहां पर 30,000, ओके चलिए ये हो गया। और मैं यहां पर लिख रहा हूं 20 कमीशन, और बच्चे यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 40,000 लिख लो, चलो 40,000। अब आप देख सकते हैं बच्चे यहां पर मैंने एक यहां पर ए की सैलरी लिख दी 30,000 और बी का कमीशन लिख दिया यहां पर मैंने, दैट इज 40,000। और भी अप्रोप्रिएशन हो सकते हैं, बट जल्दी से जल्दी इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा दूं, उसके बाद हम लोग और भी अप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन करेंगे। तो ये केस आ गया अपने पास। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चे कि बताइए
कि अब हम कैसे पीएनएल अप्रोप्रिएशंस बनाएं, क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ कितना पड़ा हुआ है, हमारे पास पड़ा हुआ प्रॉफिट 50,000। तो अगर हम पहले जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस बनाए तो कैसा बन जाएगा, आइए मैं दिखा रहा हूं यहां नीचे पर। अब देखिए, अगर हम लोग पुराने तरीके से अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस में जाए बच्चे, तो आप कैसे बनाते थे, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आपने पहले भी देखा हुआ है, दिस इज फॉर्मेट, आप अच्छा बनाएंगे, मेरे जैसा नहीं बनाएंगे नहीं तो एग्जामिनेशंस में मार्क्स कटेगा। ओके, अब यहां पर आप बताइए, सबसे पहले आप क्या लिखते हो, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस क्वेश्चन में मैंने दिया है आपको 50,000। और फिर आप फटाफट एग्जाम में देखोगे क्वेश्चन तो क्या लिखने लगोगे कि सर सबसे पहले तो हम लोगों ने लिख दिया टू सैलरी, और ए को सैलरी जा रही थी दैट इज 30,000, और फिर आपने लिख दिया टू कमीशन, और फिर अगर आपने लिख दिया बी को कमीशन जा रहा है सर 40,000 बस। और फिर आप कहोगे सर ऐसे केस में लॉस हो गया और लॉस बांट दो। बच्चे जैसे ही आपने इस प्रॉफिट से अधिक ये आपने अप्रोप्रिएशंस दे दिया, आप टोटल ऐड करके देख सकते हो, आप इन दोनों को काउंट करो तो देखो कितना आ रहा है, दैट इज 70,000। वाह, ये कैसी बात हो गई कि आपका यहां पर जो प्रॉफिट है वो कितना है 50,000, और आपने टोटल अप्रोप्रिएशंस कितना अलाउ कर दिया 70,000। क्या ये पॉसिबल है क्या? लॉस वाली केस में भी मैंने आपको कहा था कि नहीं दे सकते आप अपने प्रॉफिट से अधिक अप्रोप्रिएशंस अलाउ नहीं कर सकते। बस जैसे ही आपने ये सॉल्यूशन बनाया एग्जामिनर इसको काट देगा, इतनी मेहनत काटने के लिए की थी मैंने ताकि आपको समझ आ जाए कि ऐसा नहीं करना है। तो सर करना क्या है वो समझाओ। अब आइए स्टूडेंट, एक सबसे पहले मैं नोट्स लिखवाऊंगा, उसके बाद इसका करेक्ट सॉल्यूशन बनवा करके आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल उसी तरीके से होगा, लेकिन सबसे पहले आप नोट लिखिए। तो वो नोट क्या है, वो नोट है बच्चे, वही तो सारा कुछ खेल है इसमें, नोट। वो नोट कहता है इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, यानी जहां प्रॉफिट पूरा नहीं है, मैक्सिमम अप्रोप्रिएशन will be allowed to the partners only to the extent of, अब ये इंपॉर्टेंट बच्चे, available profit। बस आप ये याद रखिएगा किस हद तक दे सकता है, तो only to the extent of अवेलेबल प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी आप उस हद तक ही सिर्फ अप्रोप्रिएशन अलाउ करेंगे जिस हद तक प्रॉफिट अवेलेबल है, इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट है, कोई बात नहीं आप उतना ही देकर के चलेंगे। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग मैक्सिमम कितना अलाउ कर सकते थे ये अप्रोप्रिएशन को, तो हम लोग मैक्सिमम 70,000 नहीं कर सकते थे, हम लोग क्या करना चाहिए था यहां पर, मैक्सिमम हम लोग 50,000 कर सकते थे। और जैसे मैंने कहा आपको 50,000 ही कर सकते हो, तो आपके मन में सवाल उत्पन्न हो जाएगा कि सर 50 कर सकते हैं तो ए को कितना देंगे और बी को कितना देंगे। ए कहेगा पूरा मेरा 30,000 दे दो, और जो बच जाता है 20,000 कमीशन बी को दे दो, और बी कहेगा नहीं नहीं सबसे ज्यादा मुझे दे दो 40,000, और जो 10,000 बच रहा है वो मिस्टर ए को दे दो। क्या झगड़ा होना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप खुद दे सकते हो, क्योंकि मैंने यहां पे कह दिया कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो 50,000 तक ही अप्रोप्रिएशंस दे सकते हो। आप पढ़िए इस लाइन को, इस लाइन को पढ़े बच्चे, तो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होगा क्या मैंने लिखा है कि अप्रोप्रिएशंस जो होंगे पार्टनर्स को अलाउड करना है, अप्रोप्रिएशंस विल बी अलाउड to the partners only to the extent of available profit, जिस हद तक profit available है, हमारे दिए हुए example के अंदर only 50,000 ही आप दे सकते थे। तो ये झगड़ा भी सुलझाना पड़ेगा, यानी सर इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, कुछ और बताओ कि जिससे उसका झगड़ा सुलझ जाए। बिल्कुल सही बात बच्चे, इतने लिखने से नहीं होगा, इसलिए मैं आगे की लाइन और जोड़ रहा हूं, इन द रेशियो ऑफ appropriations, बस इससे झगड़ा सुलझता हुआ दिख रहा है। यह क्या बोल दिया मैंने, मैंने कहा बच्चे कि जो भी profits available है वो partners में बांट दो, चाहे उनको appropriations देने में उनके appropriations दे दो, लेकिन available profit के हद तक ही देना है। इसलिए उस available profits को क्या करो, आप उनके appropriations के ratio में बांट दो,
और जो जितना हिस्सा आता है उतने ही हिस्से तक उनको appropriations अलाउड कर दो। ठीक है, लैंग्वेज में बोल रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, उसी को मैं जब सॉल्व करूंगा तो और बेटर समझ आएगा, बट आपको समझ आ गया कि सर कुछ appropriations की रेशियोज के बारे में आप बात कर रहे हो, उस appropriations में ही उनके प्रॉफिट को हम लोग बांट देंगे और उसी हद तक वो ज्यादा से ज्यादा appropriations लेकर के जाएंगे पार्टनर्स। बिल्कुल सही बात है बच्चे। ये लाइन नोट करने के बाद अब मैं उसी solutions को दोबारा सॉल्व कर रहा हूं। आइए यहां पर, और मैं फिर से प्रॉफिट एंड लॉस appropriations बना रहा हूं। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस appropriation अकाउंट। आज की क्लास आप समझ लो प्रॉफिट एंड लॉस appropriations की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान देकर के सीख करके चलना है। तो दिस इज मैं प्रॉफिट एंड लॉस appropriations अकाउंट यहां बना रहा हूं। अब देखिए फिर से मैंने लिख दिया यहां पर बच्चे, क्या है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दे रहा था, दैट इज 50,000। लेकिन अब मैं करूंगा आपको एक वर्किंग्स जो मैंने अभी आपको कहा है। मैंने क्या कहा, 50,000 से अधिक नहीं दे सकते, लेकिन एक लाइन और कही किस रेशियो में, उनके appropriations के रेशियो में। तो इस 50,000 में ए और बी की हिस्सेदारी पहले तय कर दी जाए। अब मैंने यहां पर कहा वर्किंग नोट वन, और मैंने क्या कहा रेशियो ऑफ appropriations। आप क्या निकाल लोगे सबसे पहले, रेशियो ऑफ appropriations। तो ए को जो जो मिल रहा है वो आप लिख दीजिए और बी को जो जो मिल रहा है वो आप लिख दीजिए, तब रेशियो निकलेगा। ए को बच्चे मिल रहा था सैलरी, और इनको सैलरी में हम लोगों ने कितना रखा है, दैट इज 30,000। और कमीशन मिल रहा था बी को, ये कितना था 40,000। बच्चे और भी कोई appropriations है तो वो भी आप लिखेंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स है, कुछ भी और दिखता है तो आप वो लिख देंगे, और फिर टोटल appropriations निकाल लेंगे। दिस इज टोटल appropriations, तो टोटल में इनका आ रहा है 30,000 और इनका आ रहा है 40,000। अभी मैं क्वेश्चंस और भी कराऊंगा, एग्जामिनेशंस के भी क्वेश्चंस आज बोर्ड के भी कराऊंगा। तो दिस इज 30,000 एंड 40,000, आप देख सकते हैं। अब बच्चे इनका जो रेशियो ऑफ appropriations बना वो यही है, ये आप देख सकते हैं, टोटल appropriations जो है वही इनका रेशियोज बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं 30,000:40,000, यही रेशियोज बन रहा है इनका, दैट इज 30,000:40,000, जिसको हम लोग शॉर्ट में 3:4 भी लिख सकते हैं। आखिर इनका यही तो बनेगा ना रेशियोज, तो आइए इनको शॉर्ट में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ appropriations जो तय हुआ बच्चे, रेशियो ऑफ appropriation जो तय हुआ वो तय हो गया 3:4 का। आप देख सकते हैं यहां पर 3:4 हो गया दोनों के बीच में बांटने का। ठीक है सर, लेकिन सर अब प्रॉफिट कैसे बटेगा वो बताओ बच्चे, इसी रेशियोज में जो अवेलेबल प्रॉफिट है आप बांट देंगे। आइए नीचे मैं बांट रहा हूं यहां पर, वर्किंग नोट टू मैं लिख रहा हूं यहां पर, वर्किंग नोट टू। अब मैं क्या लिख रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ appropriation। तो जितने appropriations थे उसके रेशियोज में हम प्रॉफिट बांट दिए। चलिए ये भी बात समझ आ गई। तो बच्चे प्रॉफिट है अब ए को और बी को, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 50,000 आप सबको पता है 50,000 ही है, और 50,000 को मैंने कहा 3:4 में बांटना, तो ठीक है ये लीजिए 50,000 को 3:4 में बांट दो, 3:4 दैट इज 3:4 जो बच्चे है, तो 4 और 3 जोड़ के 7 हो गया। तो क्या करोगे, 7 से डिवाइड करो, इनका हिस्सा 3 बनता है। यहां आप 7 से डिवाइड करो और इनका हिस्सा बनता है 4। चलिए फटाफट इसको डिवाइड करके देखेंगे कितना आएगा हम लोग। अब मैं इसे कैलकुलेटर से कर दे रहा हूं बच्चे, और ये है 50,000 को अगर हम लोग करें इंटू 3/7 तो इनका आंसर आ रहा है 21,428। तो इसको हम लोग लिख देंगे 21,428, पॉइंट में आ रहा है वो अप्रोक्स कर देता हूं 21,422, और यहां पर बच्चे हम लोग 9 कर लेते हैं क्योंकि अप्रोक्स में आ रहा है। और उसके बाद से हम लोग मिस्टर बी का भी इसी तरीके से निकाल देंगे, दैट इज 50,000/7 इंटू, और इनका करते हैं हम लोग 4, और ये आ रहा है 28,571 आएगा बच्चे, 28,571। बस ये निकल गया दोनों का प्रॉफिट में हिस्सेदारी। और देखिए इस बार मैंने उनके
इक्वल रेशियो में नहीं बांटा। अगर आप क्वेश्चन याद आता होगा तो देखिए यहां पर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा दूं तो ये देखिए क्वेश्चन जो हम लोगों ने बनाया था, यहां फ्रेम किया था, आप देखिए इनका प्रॉफिट हम लोगों ने रखा था 1:1, बट बच्चे प्रॉफिट इनसफिशियंट है इसलिए आप इस रेशियो में नहीं बांट सकते। आपको वो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना पड़ेगा, अगर टोटल अवेलेबल प्रॉफिट होता और अधिक होता तो आप 1:1 में एक्स्ट्रा प्रॉफिट बांट देते, लेकिन अभी तो आपने अप्रोप्रिएशन ही नहीं दिया इसलिए आप 1:1 के रेशियो में नहीं बांट सकते। आपको निकालना पड़ा रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन, जो कि मैंने इस नोट्स में आपको पढ़ाया कि ऐसे परिस्थिति में जब इनसफिशियंट प्रॉफिट है, यानी अप्रोप्रिएशन ज्यादा हैं आपके किससे, आपके प्रॉफिट से, तो वैसी परिस्थिति में आपको रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन में वो प्रॉफिट बांटना पड़ेगा और उसी प्रॉफिट के हद तक उनको वो अप्रोप्रिएशन अलाउड होगा। बच्चे मैं एक बात और यहां पर लिख दूं ताकि आपके समझने के लिए आसानी हो जाए, ये देखिए जहां मैंने इन एडिक्वेट प्रॉफिट लिखवाया था, आपको समझने के लिए आप भी एरो करके अपने नोटिंग में लिख लो, एप्रोप्रिएशन आर मोर देन, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। बस इससे आपको और समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जो मैं केस कह रहा हूं इनएडिक्वेट प्रॉफिट का, इसका मतलब हुआ कि आपका जो अप्रोप्रिएशन है वो प्रॉफिट से अधिक है। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने कहा था कि जो भी अवेलेबल प्रॉफिट के हद तक ही देंगे और किस रेशियो में, इन द रेशियोस ऑफ अप्रोप्रिएशन, और वही मैंने देखे यहां पर सारे अप्रोप्रिएशन को पहले जोड़कर लिख दिए और इनका आ गया मिस्टर ए का 30,000, मिस्टर बी का आ गया 40,000, और फिर मैंने कहा कि इसी रेशियोज में अब आप क्या करिए, 30,000:40,000 मतलब 3:4, मैंने कहा ये प्रॉफिट बांट दीजिए। देखिए बच्चे पूरा खेल वही हुआ है, तो यहां पर 21429 और 28571 ये निकल करके आ गया इनका। अब आपको क्या करना है, अब आपको बच्चे यही प्रॉफिट में जो उनके अप्रोप्रिएशन हैं वो दे देने हैं। तो मिस्टर ए का जाएगा 21429 और मिस्टर बी का जाएगा बच्चे 28571, मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो क्या क्या आ रहा है यहां पर, अब आप टू मिस्टर ए का आप क्या लिखेंगे, सैलरी ए का, और टू कमीशन मिस्टर बी का। तो बी का कमीशन आ रहा था वो मैं लिख दूं यहां पर 28571, और मिस्टर ए का जो मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा था बच्चे 21429, तो यहां आप लिख देंगे 21429। देखिए क्या कर दिया हम लोगों ने, इन लोगों को जो मैक्सिमम अप्रोप्रिएशंस दिया, अब आप टोटल करके देखिए तो इधर 50,000 ही आएगा। अब आप देख सकते हैं इधर टोटल जो आएगा बच्चे यहां पर 50,000 और इधर भी 50,000, यानी हमने जो इनको सैलरी और कमीशंस देनी थी वो मैक्सिमम किस लिमिट तक कर दी, हम लोगों ने मैक्सिमम इनकी लिमिट तय कर दी भैया 50,000, दिस इज 50,000। अब आप टोटल करके देखिए, लेकिन ये 50,000 आया कैसे, तो उसी के लिए हम लोगों ने रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशंस निकाला और यहां पर टू सैलरी उनको 21429 दे दिया और कमीशन इनको 28571 दे दिया। बच्चे अगर आप डायरेक्टली, मैं आपको बता दूं, अगर आप डायरेक्टली यहां पर टू पार्टनर्स कैपिटल भी लिख करके बांट दो, ये प्रॉफिट ही सीधे बांट दो तो भी करेक्ट होता है, वो गलत नहीं होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए सैलरी और कमीशन के अलावा खूब सारे अप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और जितने भी अप्रोप्रिएशन हो सकते हैं सब इस क्वेश्चन में अगर दिए, तो आप कंफ्यूज जाओगे, हम उनको सैलरी दें या उनको कमीशन दें या उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें। तो वैसी परिस्थिति में आप सीधे यहां पर टू पार्टनर्स कैपिटल करके, यानी टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, जितना जितना देना, यानी 21429 और कमीशन में के जगह पर आप 2B's कैपिटल डायरेक्टली अभी अगर यहां पे क्रेडिट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मार्क्स मिलेगा। बस आपको फोकस किस पर रखना है, फोकस ये रखना है बच्चे कि ये जो अप्रोप्रिएशन है, यानी जो डेबिट साइड है, वो कहीं से भी आपके प्रॉफिट से अधिक ना हो जाए, यही पूरा कंसंट्रेशन आपको बना करके चलना था। दिस इज, तो उम्मीद है स्टूडेंट आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। अब मैं आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन और आपके इलस्ट्रेशन से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको और स्ट्रांग बना देगा, तो इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद मैं फिर से वापस से नीचे कैलकुलेशंस में लेकर के आ जाऊं। दिस इज द होल कैलकुलेशंस जो यहां पर आप देख सकते हैं, आप ये कैलकुलेशन अच्छे से नोट कर ले, इसके बाद मैं आपको अब लेकर के चलूंगा इलस्ट्रेशंस पर। तो आइए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं इलस्ट्रेशन पर, और आज का पहला इलस्ट्रेशन हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा इलस्ट्रेशन नंबर 24, किसके हिसाब से, डीके गोयल के बुक से। अगर अभी भी आपके पास बुक नहीं है, एप्लीकेशन से जाइए और ये वाला चैप्टर डाउनलोड कर लीजिए। अब मैं पढ़ रहा हूं इसको, बड़े ध्यान से आप देखेंगे यहां पर क्या कह रहा है। श्रेया एंड विवेक
वेर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर बैलेंसेस इन देयर कैपिटल अकाउंट एंड द करेंट अकाउंट, बच्चे ये फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन है, इसीलिए यहां पर आपको कैपिटल और करंट दोनों दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज हम लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी है। कैपिटल के उनके जो बैलेंस है बच्चे वो दे रहा है 550,000 मिस श्रेया का और मिस्टर विवेक का है 2,50,000, और करंट अकाउंट में इनका चल रहा है 1,00,000 मिस श्रेया का और विवेक का चल रहा है 28,000। लेकिन एक चीज और गौर करेंगे बच्चे आप, यहां पर देखिए क्रेडिट बैलेंस दे रहा है, यहां डेबिट बैलेंस दे रहा है। आपको पता है क्रेडिट बैलेंस का मतलब इनका पॉजिटिव बैलेंस है, यानी कि जब आप श्रेया का करंट अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब आप विवेक का करंट अकाउंट बनाएंगे बच्चे, क्योंकि उनकी डेबिट बैलेंस यहां पर दे रहा है, तो आप टू बैलेंस ब्रॉड डाउन से करेंगे। और कैपिटल अकाउंट में इनके कहीं भी डेबिट और क्रेडिट नहीं दे रहे, तो आप उन्हें हमेशा क्रेडिट बैलेंस यानी पॉजिटिव बैलेंस ही मान करके चलेंगे, जब तक ना बोले सब कुछ पॉजिटिव। लेकिन जहां पर क्रेडिट और डेबिट स्पेसिफिकली कह रहा है तो क्रेडिट को क्रेडिट मानेंगे और डेबिट को डेबिट मानेंगे। ओके, तो आज मुझे वो नहीं सिखाना था, क्वेश्चन में आगे इसलिए उसकी बात कर लिया मैंने। आगे क्या बोल रहा है यहां पर, कह रहा है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू श्रेया वॉज टू बी पेड, यानी इनको सैलरी मिलने वाली है, कितनी मिलेगी 5,000 पर मंथ पूरे साल के लिए, आप इंटू 12 करेंगे। वेयर विवेक was to get the commission of 30,000 per year, कोई बात नहीं, इन्हें commissions देना है हमें 30,000 का एक साल के लिए, चलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा बच्चे यहां पर, interest on capital was to be allowed 8% per annum, यहां पर इनको interest भी देना है, whereas interest on drawing was to be charged, और आपको interest on drawing भी charge करके चलना है, कितना, that is 6% per annum यहां पर दे रहा। उसके बाद drawings of the Shreya 15,000 drawn on 30th September, आपको तारीख बता रहा है, तो उस तारीख के हिसाब से ही आपको उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। वाइल विवेक विड्रू 30,000 ऑन 1st September 2017, तो 31 सितंबर को एक सितंबर को विड्रॉ करा, कोई बात नहीं, ये सारी चीज हम लोगों ने ऑलरेडी मेहनत कर रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट वाज 1,20,000। देखिए बच्चे ये क्वेश्चन दिखने में कहीं से भी आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट वाले हैं। अब आप देख सकते हो, सीधे आप देख करके समझ सकते हो कि सर देखने में कैसे पकड़ लोगे कि ये बिल्कुल वही वाले क्वेश्चंस हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, यानी एग्जामिनेशंस में जा करके आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव आप रहने के साथ साथ ये चेक कर लेंगे कि भाई देखो यहां पर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स अगर हम दें तो कितने परसेंट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जा रहा है, 8% से। तो आप देख सकते हो यहां पर 550,000 और विवेक का 2,50,000, यानी इसके ऊपर इंटरेस्ट भी एक बहुत बड़ा अमाउंट आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद से आप यहां पर देख सकते हो कि 5,000 का इनको जो देना है आपको एप्रोप्रिएशंस सैलरी और 30, तो 5,000 इंटू 12 कर दो तो बच्चे हो जाता है 60,000, और 30 इसको जोड़ दो 90,000। यानी देख करके एक शंका की दृष्टि आएगी आपके मन में कि सर एप्रोप्रिएशन ज्यादा होते दिखते हैं, बट फिर भी आप क्या कर सकते हो, रफ में कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो कि टोटल अप्रोप्रिएशंस कहीं प्रॉफिट से अधिक तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन देखने में आप बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाओगे कि क्वेश्चन में ऐसा नहीं फिर शुरुआत कर दिए, फिर आगे जाकर के हम बनाना शुरू कर दिए और बाद में जाकर टोटलिंग किए तो पता चला अरे यार ये ज्यादा आ रहा है, तो फिर वहां से हम लोग काटे और फिर सॉल्यूशंस बनाए, तो बहुत मेहनत पड़ती है बच्चे। तो एग्जामिनेशन में मैं ये रिवीजन जब क्रैश कोर्स कराऊंगा तो भी आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले प्रॉफिट को कंपेयर कर लेंगे कि टोटल एप्रोप्रिएशन से अधिक है या नहीं है, नहीं है तो फिर ये वाला केस हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चे, ये पूरा क्वेश्चंस आपने पढ़ लिया, आपको पता है इसके अंदर कुछ सैलरी देने हैं, कुछ कमीशंस देने हैं, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने, और ये सारे एप्रोप्रिएशन है और प्रॉफिट से ये ज्यादा हो रहे हैं, तो सर कैसे बनेगा, आइए इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं यहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 24 को। मैं वापस से बिल्कुल उसी तरीके से जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता था, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए स्टूडेंट हम लोगों को क्या क्या मांगा है, फटाफट आप देख लेंगे। यहां पर कह रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल का केस इसलिए करेंट अकाउंट भी इसमें चाहिए, बट मैं आपको जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं वो यहां पर समझाऊंगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट आपके वापस से होमवर्क में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है वही मेन चीज है जो हम लोग को इस कॉन्सेप्ट में सीखनी है। अब वापस से मैं यहां पर लेकर के आ रहा हूं और इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आपको सिखा रहा हूं, तो वापस से मैं फॉर्मेट बना लेता हूं, थोड़ा फॉर्मेट मेरा खराब रहेगा, आप घर के अंदर स्केल का उपयोग करते हुए अपने फॉर्मेट्स को बनाया करें। तो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रिएशन अकाउंट, तो आपको फॉर्मेट्स और ये सारी चीजों में बिल्कुल भी अंतर नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये बन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही है, बस छोटा सा फर्क किया गया है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है
और उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, ये रहा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको पता है सबसे पहले आपको क्या कर देना है, सबसे पहले आपको इसका प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेना है। सिंपल बात है, आइए यहाँ पे प्रॉफिट रिकॉर्ड कर ले हम लोग। और प्रॉफिट जो हम लोग का बिल्कुल पहले के तरीके से होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चंस वापस में आइए और क्वेश्चंस पे देखिए कितना दे रहा था हम लोग का जो प्रॉफिट है इस साल का। आप देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है कि 1,20,000 जो राउंड किया हुआ है यहाँ पर 1,20,000 वापस से आप देख सकते हैं। तो 1,20,000 को हम लोग यहाँ पर फिलअप करेंगे। दिस इज 1,20,000, एकदम सिंपल, अभी तक आप करते आए हैं। अब आ गया बच्चे इसके अंदर, आपको पता है कि 1,20,000 पूरा सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम लोग कोई भी अप्रोप्रिएशंस डायरेक्टली नहीं दे सकते। हमें 1,20,000 को अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा इन द रेशियोज ऑफ अप्रोप्रिएशंस जो दोनों पार्टनर्स के में चला जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी दिख रहा बच्चे। और आपको अगर पिछली क्लास याद आती है तो उसमें मैंने कहा है कि लॉसेस के केस में, और इस क्लास में भी बोल रहा हूं इनसफिशिएंट प्रॉफिट के भी केस में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो फॉर्म के लिए इनकम है, उसे रिकॉर्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिकॉर्ड कर लेंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, मैं अंडरलाइन कर दूं फिर से। तो दिस इज ड्रॉइंग्स यहां बता रहा है, यहां पर श्रेया का ड्रॉइंग्स इतना है और विवेक का भी ड्रॉइंग्स बता रहा है पूरा डिटेल में, और उसी को हम लोग को यहां पर कैलकुलेट कर लेना है। तो आइए फटाफट हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहां पर लिख देते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्योंकि फॉर्म का इनकम है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो ये आप आसानी से भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए बच्चे हम लोग को वर्किंग्स करनी पड़ेगी जो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, बट फिर भी इस क्वेश्चन में मैं आपको सिखा रहा हूं। आइए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का सबसे पहले वर्किंग्स करें। तो वर्किंग नोट वन हम लोग कर रहे हैं और यहां पर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की, जैसे आपको पहले सिखाया था बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, श्रेया का और फिर हम लोग करेंगे विवेक का। दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर्स के हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करेंगे। आइए क्वेश्चन में वापस से हम लोग पढ़ रहे हैं, इन दोनों के ड्रॉइंग्स कितने कितने हैं उसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे। तो श्रेया का ड्रॉइंग बता रहा है बच्चे, यहां पर आप देखेंगे श्रेया का जो ड्रॉइंग है वो 15,000 है, और किस तारीख को उन्होंने विड्रॉ किया है, सेप्टेंबर 30th को विड्रॉ किया है बच्चे। तो उनका 1 अक्टूबर से लेकर 31st मार्च तक का लगेगा, यानी इनका लगेगा कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए। और विवेक ने जो विड्रॉ किया है बच्चे 30,000, वो 1 सितंबर को ही कर दिया, तो उनका जो ड्रॉइंग्स लगेगा बच्चे वो लगेगा आपके 7 महीने के लिए। तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, और रेट जो बता रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का आप देख सकते हैं 6% से। तो 15,000 और 30,000 पे हम लोग इनके ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट, जो कि एकदम सिंपल है। आइए मैं नीचे इनके कैलकुलेशंस करा दूं एकदम सिंपल में। तो श्रेया ने विड्रॉ किया है 15,000, रेट कह रहा बच्चे 6/100, और आपको पता है इनके लिए जो निकालना है वो 6 महीने के लिए निकालना है। 30,000 विवेक विड्रॉ कर रहे हैं, एकदम साफ साफ आप देखेंगे कुछ नया नहीं है, रेट इनके लिए भी 6% ही है, और इनका महीना जो चल रहा है 7/12। चलिए फटाफट कैलकुलेशंस करेंगे, मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा, आप अपने दिमाग से यूज़ करेंगे। चलिए बच्चे 15,000 पर अगर 6% के हिसाब से हम लोग निकालें और 6 महीनों के लिए निकालें तो इनका आ रहा है 450। आप 450 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 30,000 पे भी बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 6% के हिसाब से इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12 कर लेंगे, और इनका आ रहा है 1050। तो दोनों का बच्चे आपके पास ये अवेलेबल हो गया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आइए इसे हम लोग अब फटाफट अपने सॉल्यूशंस में भर लें। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया श्रेया का जैसे पहले करते थे, और यहाँ पर विवेक का। बच्चे श्रेया का कितना हम लोगों ने ड्रॉइंग्स निकाला है, 450 है ये, 450, और विवेक का है 1050। तो ये दोनों हम लोगों ने सिंपल ढंग से फिलअप कर लिया बच्चे। ओके, अब ये दो चीज हो गई, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट जो टोटल प्रॉफिट अब फॉर्म की हो गई। आपको पता है टोटल इनकम फॉर्म का कितना हो गया, एक तो जो 1,20,000 का प्रॉफिट था, प्लस ये दोनों जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो भी फॉर्म के लिए एक तरीके का इनकम है। तो ये दोनों भी जब जोड़ देंगे हम लोग तो अब फॉर्म के पास आप देख सकते हैं 1,21,500 का है। यानी अगर ये हम लोग टोटल एड ऑन कर दें, मैं समझाने के लिए गोला बना रहा हूं, आप नहीं बनाएंगे, आपको सिर्फ समझाने के लिए, अगर ये हम लोग देखें तो 1,21,500 हो गया। अब ये 1,21,500 क्योंकि इनसफिशियंट है, सारे अप्रोप्रिएशंस को मीट नहीं कर पाएगा, इसी 1,00,000
21,500 को हम लोग किस रेशियो में बांटने के लिए आज सीख के चले हैं, हम लोग इसे बांट देंगे इन द रेशियोज ऑफ एप्रोप्रिएशंस। अब हम लोग श्रेया और विवेक का टोटल एप्रोप्रिएशन जोड़ करके रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस निकालेंगे बच्चे। तो अब हम लोग वर्किंग नोट 2 की ओर जा रहे हैं। आइए नीचे में मैं अब आपको वर्किंग नोट 2 बनवाऊंगा। दिस इज वर्किंग नोट 2 और यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस, एप्रोप्रिएशंस, और यहां पर जो भी श्रेया का एप्रोप्रिएशन है वो लिख देंगे हम लोग, और जो भी विवेक का है वो हम लोग लिख देंगे। टोटल करने के बाद जो उनका टोटल आएगा वही उनका रेशियोज में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए श्रेया को क्या क्या बोला गया है क्वेश्चंस में पे करने के लिए। आइए वापस मैं क्वेश्चंस में आपको दिखा दूं एक बार कि श्रेया को क्या टोटल में देने के लिए बोला गया है और विवेक को क्या देने के लिए बोला गया है। बच्चे सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर श्रेया को जो देने के लिए बोला गया है कि श्रेया को सैलरी दी जाएगी पर मंथ में 5,000 में, यानी श्रेया को जो सैलरी है वो बच्चे आ रहा है 5,000 पर मंथ, यानी 60,000 का श्रेया को सैलरी जाएगा, और विवेक को बच्चे एक कमीशन है पूरे साल में 30,000। तो सैलरी और कमीशन तो बड़े आसानी से हम लोग लिख लेंगे, श्रेया का 60,000 और विवेक का 30,000। लेकिन साथ साथ में आपको एक और यहां पर दिख रहा है अप्रोप्रिएशन, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिलेगा, श्रेया को मिलेगा 5,50,000 पे और विवेक को मिलेगा 2,50,000 पे। बच्चे मैं आपको बता दूं ये 5,50,000 आपके बुक से डिफर है, आपके बुक के अंदर ये 5 लाख दिया हुआ है, यहां डाटा थोड़ा चेंज है इसलिए हम लोग के आंसर्स भी थोड़े अलग आएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये तीन अप्रोप्रिएशंस हैं, तो तीनों हम लोग भर देते हैं और वहां पर दिखा देते हैं बच्चे। आइए फटाफट ये तीनों अप्रोप्रिएशंस को हम लोग भर दें। तो हम लोग वापस से अपने सॉल्यूशंस में वर्किंग नोट में आ गए। अब यहां पर रेशियोज अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले जो आसान आसान से है वो भर लें हम लोग। सैलरी आपको पता है श्रेया को कितना देना हम लोग को सैलरी, 5,000 12 मंथ्स के लिए, तो 60,000 तो श्रेया को सैलरी चली गई, विवेक को कोई सैलरी नहीं है, मगर विवेक को एक कमीशन देने की बात कही गई है, तो कमीशन हम लोग यहां पर लिख करके विवेक में भर देंगे, दैट इज 30,000। और लास्ट में बच्चे आपके पास क्या है, एक और अप्रोप्रिएशन है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मैं यहीं पर दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दूं। दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले श्रेया का 5,50,000 पे बच्चे, यहां पे श्रेया का मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दूं, दैट इज 5,50,000 पर। आप कहीं और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने 8% के रेट से बोल रहा है, और क्योंकि साल भर के लिए लगेगा तो यहां पर हम लोग को मंथ लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया बच्चे, ये जो 5,50,000 लिख रहा है बुक के अंदर 5 लाख ही दिया है, हम लोग के अंदर जो टाइपिंग में 550 है, इसलिए मैं सॉल्यूशन को 550 के आधार पर ही बना रहा हूं। चलिए फटाफट 5,50,000 पर हम लोग लगाएंगे 8% का जो रेट, वो आ रहा है 44,000। तो यहां पर श्रेया का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया बच्चे, दिस इज 44,000। ओके, और 2,50,000 पर हम लोग निकाल देंगे विवेक का, और 8% के हिसाब से निकालेंगे तो विवेक का बच्चे निकल जाएगा यहां पर, दैट इज 2,50,000 इंटू 8%, और इनका आ रहा है 20,000। तो इनका हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000। आप देख सकते हैं, आप किसी और तरीके से ये टोटल निकाल सकते हैं, ये कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। आप अब यहां पर देख लीजिए, ये रहा टोटल अप्रोप्रिएशंस बच्चे, श्रेया और विवेक का टोटल अप्रोप्रिएशंस यहां पर है। अब टोटल अप्रोप्रिएशंस को क्या करेंगे, आप टोटलिंग कर लीजिए। तो श्रेया का आप 60,000 और 44,000 ये दोनों जोड़ देंगे, तो बच्चे आ रहा है इनका 1,04,000, और आप विवेक का 30,000 और 20,000 जोड़ देंगे तो इनका आ रहा है बच्चे टोटल अप्रोप्रिएशन 50,000। तो ये टोटल अप्रोप्रिएशन है बच्चे, यही तो बन जाता है इनके रेशियोज ऑफ अप्रोप्रिएशंस। तो आप देख सकते हैं, अगर हम लोग कहें तो यही है इनका रेशियो, दैट इज 1,04,000:50,000। आप और शॉर्ट कर सकते हैं, मैं इसे ज्यादा शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर, तो मैं आसानी से इसे 104:50 के रेशियोज में ले लेता हूं बच्चे। आप और भी छोटा कर सकते हैं, इसे डिवाइड करके 2 से और भी छोटा जा सकते हैं, क्योंकि रेशियोज आपको पता है जितना छोटा चाहे जहां तक डिविजिबल हो वहां तक ले सकते हैं, बट यहां पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो 104:50 ये हमारा निकल के आ गया बच्चे यहां पर रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशंस। आप वापस से देख सकते हैं, मैं इसे एक फ्रेम में ले लूं, दिस इज हम लोगों ने क्या निकाला, टोटल अप्रोप्रिएशंस निकाल लिया, और टोटल अप्रोप्रिएशंस करने के बाद उसी को हम लोग रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशंस बोल दिए। सिंपल था यहां तक, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अब वापस से वो बात आएगी, सर जो ये प्रॉफिट था यहां पर, आपने ये जो प्रॉफिट निकाला था सर
टू 1500 जो कि पहले से प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिफॉर्म का इनकम है, तो उसे भी हम लोगों ने जोड़ दिया। अब ये 121500 सर हम लोग किसको दे देंगे, हम लोग पार्टनर्स को दे देंगे बच्चे। अब आपके मन में आएगा कि सर 121500 ठीक है हम लोग बांट देंगे, लेकिन अब क्योंकि इनको अप्रोप्रिएशंस के नाम पर तो सैलरी भी जानी है, देखिए यहां पर सैलरी भी जानी है, कमीशन भी जाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जाना है, तो सर हम लोग जो क्योंकि सारा तो दे नहीं सकते, तो सर जो 121500 है वो हम बांटेंगे तो सैलरी के नाम पर उनको दें, कमीशन के नाम पर उनको दें, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर दें। आपको याद होगा अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया उनके एक एक अप्रोप्रिएशंस थे, तो जो भी थोड़ा बहुत आया उसी अप्रोप्रिएशंस के नाम पर हम लोगों ने दे दिया। अब यहां पर बच्चे जो उनके हिस्से आएगा आपको समझ नहीं आएगा, हम सैलरी के नाम पर दे कि कमीशंस के नाम पर दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर दे। तब भी मैंने अभी पिछले सॉल्यूशन को बनाते वक्त कहा था कुछ ना समझ आए तो सीधे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफर कर दीजिए, मत लिखिए टू सैलरी टू कमीशन और ये सारी चीजें, आप सीधे उसका रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशंस में बांट करके उठा करके सीधे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि फिक्स कैपिटल है तो करंट में कर दीजिए, मैं कैपिटल बोलता हूं तो आप करंट भी समझ करके चलेंगे बच्चे, क्योंकि कैपिटल और करंट एक ही चीज है, फिक्स्ड कैपिटल जब होता है तो हम लोग करंट में ट्रांसफर करते हैं। तो आइए मैं पहले सबसे पहले तो रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन में 121 यानी जो प्रॉफिट है उसे बांट दूं, फिर उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा। चलिए तो नीचे हम लोग कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यहां पर वर्किंग नोट 3 में आ गया मैं और यहां पर लिख रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशंस। अब आपको पता है 104:50 आ चुका है हमारा रेशियोज ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब बच्चे श्रेया को और विवेक को, श्रेया स्पेलिंग सही कर लेंगे, मेरे से स्पेलिंग कभी नहीं सीखोगे बच्चे, आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखोगे। विवेक को यहां पर आपको पता है टोटल प्रॉफिट कितनी है 121500, और 121500 को हम लोग को किस रेशियोज में करना है, हम लोग को करना है बच्चे 104:50, तो 104 और 50 को हम लोग जोड़ दें तो टोटल आ रहा है बच्चे 154, तो डिवाइड आपको पता है कि हम लोग किस में करेंगे, 154 से डिवाइड करेंगे, यहां भी हम लोग 154 से ही डिवाइड करेंगे, ऊपर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इनसे 104 को और विवेक को 50 से। अब आइए इनके अमाउंट देखें कितने आ रहे हैं, 121500 डिवाइडेड बाई 154 और यहां पर बच्चे आ रहा है इंटू 104 और ये हो गया इनका 8502, राउंड अप कर दिया हम लोगों ने। ओके, अब हम लोग इसी तरीके से विवेक का भी निकाल लेंगे, 121500 डिवाइडेड बाई 154 इंटू 50 और ये आ गया बच्चे हम लोग का 39448 आ रहा है, दिस इज 39448। तो ये हो गया बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, जो 121500 था उसी को हम लोगों ने 104:50 के रेशियोज में बांट दिया। आप देख सकते हैं रेशियोज ऑफ अप्रोप्रिएशंस जो निकला था उसी रेशियोज में हम लोगों ने बांट दिया, यही तो है रेशियोज ऑफ अप्रोप्रिएशंस, यही है बच्चे रेशियोज ऑफ अप्रोप्रिएशंस, और ये हमारा फाइनल प्रॉफिट इनमें आ गया। अब यही फाइनल प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे श्रेया और विवेक में। अब आइए श्रेया और विवेक में हम लोग लिख रहे हैं। अब यहां पर आने के बाद आपको लगेगा सर ठीक है आपने अमाउंट तो फिक्स कर दिया लेकिन अब श्रेया और विवेक को क्या दे, मैंने आपको पहले भी कहा अगर एकाक अप्रोप्रिएशन है तो अप्रोप्रिएशन के नाम पर दे दो, कई सारे अप्रोप्रिएशन है तो किस अप्रोप्रिएशन के नाम पर उनको दोगे, इससे अच्छा सीधे क्या करो उनको प्रॉफिट के ही नाम पर दे दो। तो अब क्या करोगे टू करंट अकाउंट कर देना, आप उनके कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते थे आप बच्चे, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल है इसलिए करंट अकाउंट हम लोग कर रहे हैं, टू करंट अकाउंट किसके, श्रेया का और उसके बाद विवेक का। अमाउंट एक बार विवेक का जो अमाउंट आ रहा है बच्चे वो आ रहा है 39448 और जो श्रेया का आ रहा है वो है यहां पर 82052 पे हम लोग कर लेंगे 82052 पर हम लोग ले जा करके दिखा देंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल है डिस्ट्रीब्यूशंस। अब आप यहां पर टोटलिंग कर देंगे इसे क्लोज डबल लाइन से, साफ साफ डबल लाइन करेंगे बच्चे क्योंकि इस पर भी फॉर्मेट पे भी मार्क्स होता है, तो डबल लाइन पे कर लेंगे 121500 और 121500 बस
देखिए कितने सिंपल ढंग से, अब पूरा का पूरा आप यहां पर देख सकते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशंस, यही है पीएनएल अप्रोप्रिएशंस। आप देख सकते हैं यहां पर हम लोगों ने पूरी सैलरी नहीं दी, पूरा कमीशंस नहीं दिया, पूरा इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं दिया, हम लोगों ने 121,500 पर ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया। आप जब इसे जोड़ेंगे तो इसे भी आप देखेंगे 121,500 ही आ रहा है, और 121,500 से अधिक का कोई अप्रोप्रिएशंस नहीं दिया। और 121,500 को भी बांटने के लिए हम लोगों ने क्या निकाला, वो रेशियो जो क्वेश्चन में दिया वो नहीं, आप क्वेश्चंस में देख सकते हैं, क्वेश्चन में इनके बांटने का जो रेशियो था बच्चे, आप आइए देखिए यहां पर 3:2 दे रहा था, मगर हम लोगों ने किस रेशियो में बांटा, हम लोगों ने इसके लिए मेहनत किया और हम लोगों ने इनके इस पीएनएल अप्रोप्रिएशंस में निकलने वाले जो टोटल प्रॉफिट है उसके लिए हम लोगों ने यहां पर रेशियोज ऑफ अप्रोप्रिएशन निकाला। बच्चे यहां पर टोटल अप्रोप्रिएशंस लिखने के बाद जो भी अप्रोप्रिएशन, जो उनको अप्रोप्रिएशन मिलना चाहिए था वो भी इंपॉर्टेंट है, किस लिए, टोटल रेशियो निकालने के लिए, ये रहा टोटल रेशियोज। और रेशियोज निकालने के बाद इसी रेशियोज में हम लोगों ने उनकी प्रॉफिट को बच्चे बांट दिया और यही प्रॉफिट फाइनली दे दिया। स्टूडेंट हम लोग का आंसर किताब के आंसर से अलग रहा है क्योंकि यहां पे थोड़े डाटा चेंज है, आप घर के अंदर ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करोगे ही करोगे, इसलिए दोबारा आप इसे बना लोगे। बस अब ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। बच्चे ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ क्योंकि इसके और क्वेश्चन है जो मुझे अभी कराने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है, इसके पे बेस्ड मैं आपको आज अभी एक होमवर्क दे रहा हूं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर अगले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके ही सिखाना पड़ेगा मुझे, मैं सिर्फ ऐसे बोल करके नहीं कर सकता। तो एक आपको ये होमवर्क दूंगा मैं अभी जो कराया हूं, इसके बाद एक और क्वेश्चन होमवर्क में जाएगा, उसके बाद आपको मैं अगला क्वेश्चंस कराऊंगा तो उससे रिलेटेड होमवर्क दूंगा। अब ये है बच्चे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 23 भी आपका होमवर्क है, आप होमवर्क लिख लें फटाफट, इलस्ट्रेशन नंबर 24 को आपको पता है कभी बहुत सारा काम करना बाकी है, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, वो सारा कुछ बना लेंगे, कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है बच्चे आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, अगली क्लास भी इंपॉर्टेंट है इसलिए उससे भी कनेक्टेड रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए। फिर भी कोई डाउट आता है तो हर बार की तरह बच्चे आप मेरे एप्लीकेशन पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे मैसेज कर सकते हैं, दोनों डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा डाली जाती है तो वहां से आप ले सकते हैं। मिलते हैं नए क्लास के अंदर, टिल देन टाटा बाय बाय।